What's up guys, this is Anil back with another new video. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हाउ टू यूज़ क्रिएटिन। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि क्रिएटिन का यूज़ करना चाहते हैं, क्रिएटिन साइकिल चलाना चाहते हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से क्रिएटिन के बेनिफिट्स ले सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, उसकी डोजेस कितनी है, कौन सा क्रिएटिन आप लोगों के लिए बेस्ट है, इसको खाने का टाइम कब है, और कितने लंबे टाइम तक आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर मसल बिल्डिंग के लिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाके पता क्या करता है, ये आपके एटीपी लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, सेल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स के बारे में। क्रिएटिन क्या करता है, आप लोगों का मसल गेन करने में, मसल बिल्डिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट आप लोगों को क्रिएटिन का ये मिलता है कि ये आप लोगों की स्ट्रेंथ गेन करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा बेनिफिट ये आप लोगों के ब्रेन फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आप लोगों का एक्सरसाइजेस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है, आप लोग बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। चौथा बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि ये आप लोगों का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटिन के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये फैट लॉस में आप लोगों की हेल्प करेगा, वेट गेन में भी हेल्प करेगा, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपके मसल्स के अंदर जो फ्लूड लेवल होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सो गाइस, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन सा क्रिएटिन फॉर्म आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आप लोगों के मसल बिल्ड करने में और बेस्ट रिजल्ट देने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला है क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड, दूसरा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तीसरा है क्रिएटिन HCL, चौथा है क्रिएटिन नाइट्रेट, पाँचवा है बफर क्रिएटिन। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स वगैरह आती हैं, और सबसे बेस्ट फॉर्म जो है वो है आपकी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि आपकी बॉडी 99% एब्जॉर्ब कर लेती है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी प्रोवाइड करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट भी आता है, बाकी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये आप लोगों को ठीक ठाक रेट के ऊपर भी मिल जाएगा। सो गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रिएटिन को कब कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर आप लोग इसे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, वर्कआउट खत्म होने के बाद कंज्यूम करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में, तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है और आपकी बॉडी इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और ज़्यादातर यही बोला गया कि अगर आप लोग सिंपल कार्ब के साथ क्रिएटिन का यूज़ करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। वैसे तो आप लोग इसे प्री वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको डिवाइड कर ले, 3 ग्राम प्री वर्कआउट में यूज़ कर ले, 3 ग्राम आप लोग पोस्ट वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिएटिन को आप लोग कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन यूज़ करने का असली तरीका, सही तरीका क्या है अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्रिएटिन साइकिल का बेनिफिट लेना है। देखो गाइस, दो फेसेस आते हैं, एक आपका लोडिंग फेस होता है, एक होता है नो लोडिंग फेस। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को क्रिएटिन अपनी बॉडी के अंदर लोड करना होता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप लोग 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, तो जितनी भी आप लोगों की एमजी के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से डोज आती है, उतनी ग्राम डोज आप लोगों को लेनी है एक दिन के अंदर 5 to 7 days के लिए, अगर आप लोगों को अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिन की लोडिंग करनी है तो। अदरवाइज अगर आप लोगों को लोडिंग नहीं करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग 3 to 5 ग्राम डेली डोजेज ले सकते हैं क्रिएटिन की, जो कि आप लोगों के लिए सेफ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कितने लंबे टाइम तक आप लोग क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिन को कम से कम आप लोग 12 weeks से लेके 16 weeks तक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग 4 to 6 हफ्तों का ब्रेक लेके फिर से इसका साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्रिएटिन खाने के साइड इफेक्ट भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि यार आपकी किडनियाँ फेल हो जाएंगी, लीवर पे आपका इफेक्ट आएगा, या फिर अदर बहुत सारे आप लोगों को इरिटेशन वगैरह हो सकती है। तो देखो गाइस, ऐसा कोई भी आप लोगों को साइड इफेक्ट क्रिएटिन का नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप लोगों की बॉडी वाटर रिटेंशन करना शुरू कर देती है। अगर आप लोग कंपीट वगैरह करते हैं तो उसका एक अलग फंडा है, उसके अंदर आप लोगों को 4 to 6 हफ्ते पहले क्रिएटिन छोड़ना पड़ता है, तभी आप लोगों के मसल के अंदर हार्डनेस आती है, आपका थोड़ा सा पेट अपसेट रह सकता है, अदरवाइज और कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली। तो गाइस, यही थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन साइकिल के बारे में, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, डोजेज आप लोगों को कैसे लेनी है, कितने लंबे टाइम तक आप लोग क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और असली बेनिफिट यही है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ज़्यादा गेन होगी, लीन मसल मास गेन करेगा, वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी करेगी, वेट गेन करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो क्रिएटिन ओवरऑल फिटनेस के अंदर
एंड नॉर्मली आप लोग घर पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर वर्कआउट वगैरह नहीं करते। और क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। अगर आप लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं जैसे पोर्क, फिश, चिकन, तो आप लोगों को फिर भी इनफ मात्रा के अंदर जो क्रिएटिन है वो नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोगों को बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे विद इन 2 वीक्स के अंदर। तो क्रिएटिन को यूज़ करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे सीधा DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, रिप्लाई आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।